राम राम भाई सारे ने। हाँ तो भाई, जैसे तुमने मेरे पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि मेरे बहुत सारे पार्सल्स आने वाले हैं, तो उसमें से कुछ पार्सल्स आ गए हैं, तो आज हम उन्हीं की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये है पहला पार्सल, इसको करते हैं ओपन। नाउ आई सी व्हाट इट इज। ये है भाई कैमरा या फ़ोन, कुछ भी गाड़ी के सीट के पीछे माउंट करने के लिए, ताकि हम गाड़ी का थोड़ा पीछे से व्यू ले सकें, मतलब कैमरे का थोड़े गाड़ी के अंदर से पीछे से व्यू ले सकें। ये यहाँ से ओपन हो जाता है, ये बीच में थोड़े कांटे से हैं जो आपस में जुड़ के काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। ये फुल मेटैलिक है, फुल्ली मेटैलिक, जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई इसकी, शायद एल्यूमिनियम है कम्प्लीटली। तो एक गाड़ी का जो हेडरेस्ट होता है, उसकी जो डंडी होती है, उस पर परमानेंटली अटैच हो जाएगा ये स्क्रूज ओपन होके। फिर हमें ये लगाना पड़ेगा, जो कि अंदर इसमें ये जो दो रोड्स हैं ये इन में लॉक हो जाती हैं। तो भाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है कि भी जब गाड़ी शेक हो, काफ़ी ज़्यादा हिलेगी, तो कैमरे की फुटेज पे कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ये चीज़ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ये पता नहीं कैसे मूव होगा। खैर देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो ये साइड गाड़ी के हेडरेस्ट के मेटल पे अटैच हो जाएगी, और फिर साइड में ऐसे आके यहाँ पे कोई भी कैमरा या फ़ोन कुछ भी माउंट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। आदमी अपना ओपन करते हैं नेक्स्ट पार्सल। बॉक्स के अंदर बॉक्स, और ये है साइड हैंडल विद वायरलेस कंट्रोल फॉर सेल फोन। मैं तुम्हें इसका यूज़ बाद में बताऊँगा, पर पहले इसे नेक्स्ट पार्सल खोल लेते हैं। ये वाला इसका हिस्सा है, तो पहले ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस पे से अपना एड्रेस फाड़ देता हूँ। और ये है स्मॉल रिग का फुल केज फोन के लिए, ऑब्वियसली। कितनी पैकिंग है यार। ये पहले कुछ एक्सेसरीज अटैच करने के लिए और कुछ टूल्स, ये भी कुछ होगा बाद में देखते हैं। ये है एक्चुअल चीज़ें। अभी ये है एक यूनिवर्सल केज, यहाँ पे इसमें फ़ोन अटैच होगा, जो कि हम इसे यहाँ से लूज़ करके, और ऐसा नहीं है कि लूज़ हो जाएगा, यहाँ से इसे अगर हम ओपन करते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर आता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है स्प्रिंग होने के बजाय। ये सिंपल हम इस स्क्रू को ऐसे टाइट करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन अटैच हो जाएगा, और फिर हम इसे टोटली एज ए सिनेमैटिक कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनली। और ये भी काफ़ी हैवी है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, फुल मेटैलिक। सामने कुछ स्क्रूज दिए हैं कुछ एसेसरीज लगाने के लिए, माइक वगैरह या कोई और कैमरा कुछ भी, यहाँ पे भी स्क्रूज हैं कुछ और एसेसरीज लगाने के लिए। ये केज फुल एसेसरीज, मतलब किसी भी टाइप की एसेसरीज लगाने के लिए बना है, जैसे इसमें ये पोर्ट्स हैं साइड में, हर कोने पे हैं, ये हर जगह एसेसरी लगाने के लिए इसमें ऑप्शन है। और इसके साथ आता है एक ये हैंडल, जो कि हम साइड पे लगा सकते हैं इनमें तीन स्क्रूज में कहीं भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इसको टाइट करने के लिए स्क्रू टूल है इसमें, तो ये रहा इसका टूल। सिंपली हम इससे टाइट कर सकते हैं या फिर इससे, मर्जी है, किसी से भी टाइट कर लो। इसके साथ एक्चुअली दो हैंडल आए हैं, पर दोनों ही वो नहीं है, क्या कहते हैं, इनमें से कोई ब्लूटूथ कनेक्शन का नहीं है, मतलब कुछ ब्लूटूथ कंट्रोल नहीं होगा इनसे, जो कि मैंने दूसरा मंगाया है। इन हैंडल्स में भी फुल्ली एसेसरीज लगाने के लिए है, देखो यहाँ पे भी इसमें एक स्क्रू दिया हुआ है एक कोई भी अलग एसेसरीज लगाने के लिए। ये हो गया हमारा फुल सिनेमैटिक कैमरा फुल कंट्रोल के साथ, और ये हमारा ऊपर लग सकता है कोई और एसेसरी लगाने के लिए। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें कितनी एसेसरीज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। इसमें यहाँ पे दो स्क्रू हैं जो कि हम इधर उधर कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। हम इन्हें इस की से टाइट कर सकते हैं। हो गया अपना
कैमरा फ्रेम तैयार या कैमरा केज कह सकते हो, प्लस यहाँ पे एक्सेसरीज जैसे कैमरा माइक या और कुछ जो भी चाहो वो लगा सकते हो। अब हम इस हैंडल को ओपन करते हैं जो मैंने एक एक्स्ट्रा मंगाया है। इसमें है ब्लूटूथ कंट्रोल, ये कुछ पेपर, और ये है भाई एक्चुअली हैंडल स्मॉल रिग का विद ब्लूटूथ कनेक्शन। साइड में इसमें एक बटन है, इसे दबाए रखने से इसकी पावर ऑन हो जाती है और ऑब्वियसली फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन आता होगा। USB टाइप सी चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे कर देते हैं फिलहाल ऑफ। हैंडल अटैच करते हैं। ये अटैच करना शायद थोड़ा ट्रिकी रहेगा, एक्चुअली ये केज यूनिवर्सल है तो इसमें तुम कोई भी फ़ोन अटैच कर सकते हो, पर मैंने एक ऐसा ही सेम स्मॉल रिग कंपनी का ही एक और केज मंगाया है जो स्पेशल आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए बना है। इसको हटा देते हैं और इसको लगा देते हैं। भाग गया हमारा सिनेमैटिक कैमरा केज विद ब्लूटूथ कनेक्शन। और ये स्ट्रैप किस काम की है मुझे नहीं पता, और फिलहाल जानना भी नहीं चाहता, क्या ही जरूरत है, छोड़ो ना। जैसे कि तुम देख रहे हो कि भी इस जो ये यूनिवर्सल केज है इसमें कोई भी फ़ोन अटैच हो जाता है, तो मैंने इसमें ऐसे फ़ोन अटैच किया हुआ है, काफ़ी मस्त है ना, एकदम प्रीमियम कैमरे वाली फीलिंग आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने इस केज के लिए एक मिरर भी ऑर्डर किया है, ये वाला जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। ये मुझे खुद को देखने के लिए हेल्प करेगा कि भी मेरे जो कैमरे का एंगल है वो किस टाइप का है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके लिए मुझे ये नाइस रिग किसी कंपनी का नाम है, मैंने वो वाला ऑर्डर किया है जो कि मुझे पड़ा है $65 का। तो ये मिरर यहाँ पे ऊपर लग जाएगा, तो अगर मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ मुझे बैक कैमरा यूज़ करना है जिसके लिए मैं खुद को देख नहीं सकता, तो ये मिरर मुझे हेल्प करेगा। और जो मैं दूसरे केज की बात कर रहा था जो मैंने स्पेशल इस 13 प्रो मैक्स के लिए मंगाया है वो है ये, जैसे तुम अपनी स्क्रीन पे फोटोज देख भी पा रहे होगे। इस केज में तुम्हें दिख ही रहा होगा कि भी अलग से कैमरा के लेंसेज लगाने के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे इस किट के साथ मुझे मिल रहा है केज और कुछ लाइट्स, माइक्रोफोन एंड अगेन इस टाइप के हैंडल, टेबल टॉप मिनी ट्राइपॉड एंड कपल मोर थिंग्स। ये किट मुझे पड़ी है $317 की। नेक्स्ट आइटम जो मैंने अपने स्पेशल उस जो केज के लिए ऑर्डर किया है 13 प्रो मैक्स केज के लिए, स्मॉल रिग का 1.55x एनामोर्फिक लेंस जो कि है ये, ये उस केज के पीछे बहुत ईजिली अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह, जो कि वीडियो क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और गैस नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा रेसिज्म है, इवन यहाँ की पुलिस तक रेसिस्ट है जो कि ब्राउन पीपल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो बस सोचते हैं कि भी ब्राउन ब्राउन से लड़ रहा है, जाने दो हमें ने क्या ठेका ले रखा है। वैसे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है रेसिज्म के ऊपर, मैं तुम उसका थोड़ा सा बस ये कह लो एक तरह से ट्रेलर दिखा देता हूँ। देखो इस बंदे ने मेरे को ब्लैक डॉग और उल्टा मेरे को रेसिज्म बोल रहा, तो तुम पहले ये थोड़ा सा ट्रेलर देख लो। Thank you. Pardon? Thank you. Yeah, it's all on camera. Good, you're on camera too, cut. Perfect. For an hour and a half, a minute and 30 seconds, you fucking dog. Perfect. You're a racist piece of shit. You are a racist. Fuck off, you black cunt. Oh, wow. Wow, man. Wow. Okay, good on camera. सी इसने मेरे को ब्लैक डॉग बोला, ब्लैक रेसिस्ट, ब्लैक बोल रहा है, ब्रो आई एम ब्राउन, बट एनीवे जो भी है इसने मेरे को ब्लैक बोला, रेसिस्ट हो गया, मेरे को डॉग बोल रहा है, बोल रहा है। और इवन दो जब ये मेरी टैक्सी में बैठे तो मेरे को पहले तो कहने लगे, हे ब्रो इज योर नेम राज, कोई सेंस है इस बात में, व्हाट डू यू मीन माय नेम इज राज, I am brown doesn't mean my name is Raj. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Stereotype and racist. खैर भाई ऐसे लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत भरे पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा. Even पुलिस तक racist है. क्योंकि मैं अगर पुलिस के पास जाऊँगा कंप्लेन लेकर कि भी इसने मेरे साथ रेसिज्म किया, मेरी गाड़ी को डैमेज किया, मेरी गाड़ी पे डेंट मार दिया, तो पुलिस भी कुछ नहीं करेंगे, बहाने मार के मेरे को वहाँ से भगा ही देंगे, वहाँ पे कैमरा लेके जाऊँगा ना तब वो कुछ करेंगे। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।